10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार करें ये मसाला वेज पुलाव। ये एक वन पॉट मील है और तुरंत बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। इस वाले पुलाव को हम बनाएंगे कुकर में। उसके लिए यह मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो गरम मसाले में मैंने 4 इलायची, 4 लौंग, 1 तेज पत्ता और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। अगर आपके पास में बस कटे हुए सब्जियां हैं तो ये 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून। जिंजर और गार्लिक की रॉस मिल जाने तक हम इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए जिंजर और गार्लिक अच्छे से सॉटे हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सोया चंक्स। सोया चंक्स को मैंने पहले से गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, फिर इसको दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल लिया था। तो सोया चंक्स को हम हल्के से सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए सब्जियां। सब्जियों में यहाँ मैंने लिया था मटर, गाजर, आलू और बीन्स। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फेवरेट वेजिटेबल्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सभी सब्जियों को हम हल्के से सॉटे कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए, और स्वाद अनुसार नमक। सभी इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिला देंगे। मसाला वेज पुलाव बनाने में जितना आसान है ना, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे रेसिपीज ट्राई करते हैं तो हमारे साथ शेयर भी कीजिए। हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक्स आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना और धनिया पत्ती। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला देंगे। आप इस पॉइंट पर नमक या मिर्च अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर कर ऐड कर लीजिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप राइस, तो उसके लिए मैं 3 कप पानी का यूज़ करूँगी। चावलों को अच्छे से वॉश कर कर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो लिया था। यहाँ मैं नॉर्मल चावल का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि सोना मसूरी। आप चाहे तो बासमती राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर देंगे और फिर इसका हम ढक्कन बंद कर कर 1 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। ध्यान दीजिए कि आप फ्लेम को मीडियम में रखिए, अगर आप हाई में रखेंगे तो हमारे चावल नीचे से जल जाएंगे। कुकर में 1 सीटी आ गई है और कुकर ठंडा भी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर चेक कर लेंगे। अरे वाह, ये देखिए कितना अच्छा और खिला खिला हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। एक वन पॉट मील है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है और तुरंत भी बन जाती है। तो आप इसे लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।